Hello students and welcome to this new lecture where we will see your chapter number 6 adjectives and degrees of comparison. Last time मैंने आपको homework में exercise A fair book में लिखने के लिए दिया था और आज हम exercise B solve करने वाले हैं. आपको try करने के लिए exercise B दिया था मैंने, तो आज हम exercise B के answers देखने वाले हैं. फटाफट आप answers देख लीजिएगा. यहाँ पे मैं answers लिखने वाला हूँ. तो सबसे पहले हमारे पास 10 क्वेश्चन हैं, राइट? तो चलिए नंबर वन की बात करते हैं. द चिल्ड्रन प्लेड लाउड म्यूजिक. तो भाई म्यूजिक कैसा था? म्यूजिक कैसा था? लाउड था, राइट? म्यूजिक कैसा था? लाउड था. तो उसमें हम क्या लिखेंगे, इसको थोड़ा छोटा कर देते हैं. म्यूजिक कैसा था? तो लाउड था. तो लाउड जो है वो है एडजेक्टिव ऑफ, क्या आएगा बताइए, क्वालिटी, क्वांटिटी या नंबर? क्वांटिटी और नंबर में तो चीजों की बात की जाती है, क्वांटिटी की बात की जाती है. ये है एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, ठीक है. नंबर टू, स्ट्रीट डॉग्स ऑफन बिकम वायलेंट टुवर्ड्स ह्यूमन बींग. तो आप क्या करेंगे यहाँ पे, डॉग्स कैसे हैं? स्ट्रीट वाले डॉग्स हैं, ठीक है. डॉग्स कैसे हैं? तो स्ट्रीट के डॉग्स हैं. तो यहाँ पे हम लिखेंगे स्ट्रीट और इसमें हम लिखेंगे एडजेक्टिव ऑफ, आप लिख देना एडीजे, मैं लिख रहा हूं, ऑफ क्वालिटी, ठीक है. नंबर थ्री, सम राइस इज लेफ्ट इन द रेफ्रिजरेटर. तो सम जो है वो हम लिखेंगे सम राइस. क्या राइस को आप गिन सकते हैं? नहीं गिन सकते हैं. तो एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, ठीक है, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी. नंबर फोर, इज देयर एनी लेटर फॉर मी फ्रॉम द बैंक. तो हम इसमें क्या लिखेंगे भाई, एनी लेटर, एनी जो है उसको हम गिन सकते हैं, लेटर को गिन सकते हैं ना. तो एनी जो है वो हम लिखेंगे एडजेक्टिव ऑफ नंबर. नंबर फाइव, अर्नव लव्स टू वॉच हॉरर मूवीज. भाई मूवीज कैसी हैं? तो हॉरर है, HORROR. तो हॉरर आप लिखेंगे और लिखेंगे एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, ठीक है. नंबर सिक्स, मैनी स्टूडेंट्स. कितने स्टूडेंट्स थे? मैनी स्टूडेंट्स थे. तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, मैनी, मैनी. आप स्टूडेंट को गिन सकते हैं? हाँ गिन सकते हैं ना सर. तो हम लिखेंगे एडजेक्टिव ऑफ नंबर, तो मैनी और लिखेंगे एडजेक्टिव ऑफ नंबर. नंबर सेवन देखते हैं. नंबर सेवन जो है उसमें क्या है, देयर इजंट मच राइस, मच आइस इन द फ्रिज. तो देयर इजंट मच, MUCH, मच. क्या आइस को आप गिन सकते हैं? आइस को नहीं गिन सकते ना. तो एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी. नंबर एट, वन बॉय ऑफ क्लास सिक्स वॉन द कॉम्पिटिशन. तो वन बॉय, वन वन जो है उसको हम गिन सकते हैं, बॉय को गिन सकते हैं. तो एडजेक्टिव ऑफ नंबर. नंबर नाइन, वी केप्ट अ फ्यू एप्पल्स. क्या एप्पल्स को आप गिन सकते हैं? हाँ गिन सकते हैं ना. तो आप क्या लिखेंगे, एडजेक्टिव ऑफ नंबर. नंबर टेन, देयर वाजंट मच एक्साइटमेंट. मच को आप लिखेंगे, एक्साइटमेंट को गिन सकते हैं? नहीं गिन सकते हैं. एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, ठीक है. ये हो गए आपके आंसर, स्क्रीन पे लिख दीजिए 5 सेकेंड्स या स्क्रीनशॉट खींच लीजिए. 5, 4, 3, 2, 1. चलिए क्लियर करते हैं इसको और आगे बढ़ते हैं. क्लियर, क्लियर. चलिए नंबर नेक्स्ट. चलिए डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव क्या होता है भाई? डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव मतलब ऐसे एडजेक्टिव्स जो हमको कोई चीज पॉइंट आउट करने में मदद करे, है, पॉइंट आउट करने में मदद करे. कैसे आइडेंटिफाई करेंगे डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव को? आप क्वेश्चन पूछेंगे कौन सा, है? कौन से या कौन सा, ऐसा आप क्वेश्चन पूछेंगे, ठीक है. कौन सी, कौन सा, कौन से, ओके, ऐसे क्वेश्चंस पूछेंगे आप. विच वन? तो एग्जांपल देखिए, दीज बाइक्स आर नॉट पार्क्ड प्रॉपरली. तो कौन से बाइक्स बराबर पार्क नहीं हुए हैं भाई? दीज बाइक्स, ठीक है. तो दीज जो है वो हमारे हो गए डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव. सच प्लेयर्स ऑलवेज प्ले फॉर द टीम. तो कौन से प्लेयर्स हमेशा टीम के साथ, टीम के लिए खेलते हैं? सच प्लेयर्स. तो सच जो है वो हमारा हो गया डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव. साइड में कुछ दिया हुआ है, चलिए देखते हैं. डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव आर दिस, दैट, दीज, दोज, सच एंड सर्टन. डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव कौन कौन से होते हैं? दिस, दैट, दीज, दोज, सच और सर्टन, ठीक है. इंटरोगेटिव की हम बात कर रहे हैं, तो इंटरोगेटिव एडजेक्टिव कौन से हैं? हुज, व्हाट और विच. चलिए इंटरोगेटिव पे आते हैं. इंटरोगेटिव एडजेक्टिव्स मतलब ऐसे एडजेक्टिव्स जो नाउन के साथ यूज होते हैं क्वेश्चन पूछने के लिए, ठीक है.
नाउन के साथ यूज होते हैं क्वेश्चन पूछने के लिए, जैसे व्हाट क्वेश्चन डिड द टीचर आस्क, तो कौन सा क्वेश्चन पूछा, तो ये जो कौन सा है ना वो हो गया इंटरोगेटिव एडजेक्टिव, जो नाउन के साथ यूज किया गया है, नाउन के साथ जो यूज होता है उसको इंटरोगेटिव एडजेक्टिव बोलते हैं। क्वेश्चन के साथ व्हाट यूज हुआ है, यहाँ पे बैट के साथ हूज यूज हुआ है, बुक के साथ विच यूज हुआ है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे जो डब्ल्यू एच वाले वर्ड है व्हाट हूज विच, जो नाउन के पहले यूज होते हैं क्वेश्चन पूछने के लिए, तो वो हो जाते हैं इंटरोगेटिव एडजेक्टिव। पजेसिव एडजेक्टिव क्या होता है, पजेसिव एडजेक्टिव मतलब किसी चीज किसकी है, है? चीज किसकी है, तो आप जब पूछेंगे किसकी है तो जो आपको आंसर मिलेगा वो हो जाएगा पजेसिव एडजेक्टिव। जैसे देखिए एग्जाम्पल नंबर वन, हिज पेन इज ऑन द टेबल, तो जो पेन है वो किसकी है, हिज की है, ठीक है, हिज पेन। ओके दिस इज माई पेन, तो माई पेन जो है माई पेन, माई जो है वो है पजेसिव एडजेक्टिव, तो हिज यहाँ पे है पजेसिव एडजेक्टिव। ऊपर इंटरोगेटिव और डेमोन्स्ट्रेटिव के लिए कुछ लिखा है, चलिए देखते हैं। इंटरोगेटिव एंड डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव मस्ट बी फॉलोड बाय अ नाउन, नाउन के पहले ही आने चाहिए इंटरोगेटिव डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, अगर वो नाउन से फॉलो नहीं होते हैं तो वो इंटरोगेटिव एडजेक्टिव नहीं है, वो डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव नहीं है, ठीक है। नाउन उसके बाद में होना ही चाहिए, ठीक है, नाउन उसके बाद में होना ही चाहिए, जैसे यहाँ पे दीज बाइक्स, तो बाइक नाउन है, उसके आगे लगा है प्लेयर, प्लेयर नाउन है, उसके आगे लगा है, ठीक है, क्वेश्चन उसके आगे लगा है हु व्हाट, बैट उसके आगे लगा है हूज, बुक उसके आगे लगा है विच। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि नाउन के आगे, ठीक है, जो एडजेक्टिव लगे हैं उसको हम बोलेंगे इंटरोगेटिव डेमोन्स्ट्रेटिव नाउन। यहाँ पे पजेसिव नाउन में भी कुछ ऐसा ही होता है, ठीक है, आप देख सकते हैं यहाँ पे पजेसिव एडजेक्टिव का पूरा टेबल दिया हुआ है, फर्स्ट पर्सन में होता है माय, प्लूरल में आवर, सेकंड पर्सन में योर, प्लूरल में भी योर, थर्ड पर्सन में हिज हर और इट्स, और प्लूरल में देयर। तो भाई ये सारे अगर वर्ड्स आपको दिख जाएं और उसके बाद आपको नाउन दिख जाए तो समझ लेना कि वो पजेसिव एडजेक्टिव है। चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं पजेसिव एडजेक्टिव का। माय कार इज एट द सर्विस स्टेशन, भाई किसकी कार है, तो माय कार मेरी कार है, My जो है वो हो गया हमारा पजेसिव एडजेक्टिव। योर बाइक इज न्यू, भाई किसकी बाइक नहीं है, योर, राइट, तो ये हो गया पजेसिव एडजेक्टिव। इट्स टायर्स आर बिग, उसके टायर बड़े हैं, किसके टायर बड़े हैं, भाई उसके टायर बड़े हैं, तो इट जो है, इट्स जो है वो हो गया पजेसिव एडजेक्टिव। हर हाउस इज नियर द पोस्ट ऑफिस, तो किसका घर पोस्ट ऑफिस के नजदीक है, हर, ठीक है, ये हो गया हमारा पजेसिव एडजेक्टिव। आप एग्जाम्पल देख लीजिए, हम एक्सरसाइज सी पे आते हैं, आपके सामने एक्सरसाइज सी आ गया है, आपको क्या करना है, कुछ नहीं करना है, आइडेंटिफाई करना है एडजेक्टिव्स को और उसके सामने आपको टिक कर देना है, ठीक है। चलिए एक्सरसाइज सी पे आते हैं हम, दैट हाउस इज माइन, तो दैट जो है वो कौन सा एडजेक्टिव है, दैट जो है वो कौन सा एडजेक्टिव है, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, ओके, क्योंकि हमको वो पॉइंट आउट करने के लिए यूज होता है, राइट, दिस दैट दीज दो सच सर्टन, वो सारे डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है। चलिए नंबर वन, मेघना इज वेयरिंग योर इयररिंग्स, तो योर इयररिंग भाई किसकी इयररिंग्स हैं, भाई योर की हैं, ठीक है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे पजेसिव एडजेक्टिव, क्योंकि यहाँ पे हमने देखा कि पजेसिव एडजेक्टिव में योर आता है, ओके। नंबर टू, चलिए अंडरलाइन करते हैं आपके लिए, मेघना इज वेयरिंग योर इयररिंग्स, तो योर को हमने अंडरलाइन किया और टिक कर दिया हमने, मतलब आप अंडरलाइन, आप टिक कर देना, मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ पजेसिव एडजेक्टिव को। नंबर टू, हूज पेंसिल इज लाइंग ऑन द फ्लोर, भाई क्वेश्चन पूछा जाए तो वो हो जाएगा इंटरोगेटिव, ओके। आई कुड नॉट आंसर दिस क्वेश्चन, भाई कौन सा क्वेश्चन, दिस क्वेश्चन, दिस हमने कहां पे देखा था, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, ओके। नंबर फोर, हर पेन इज विच श्याम, किसकी पेन थी, हर की पेन थी, हर जो हो गया वो हमारा पजेसिव एडजेक्टिव, क्योंकि हमने ऊपर देखा ना, यहाँ पे देखो हर लिखा हुआ है, ओके, ऊपर आप देख सकते हैं ना यहाँ पे हर है, राइट, ओके। चलिए, दैट हाउस नीड्स रिपेयर, भाई कौन सा हाउस, दैट हाउस, दैट जो है वो पॉइंट आउट करने के लिए यूज किया गया, तो वो गया हमारा डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। नंबर सिक्स, अवर कार, अवर
कार। अब और क्या हो जाएगा? पजेसिव एडजेक्टिव। विच गर्ल इज गोइंग टू प्ले द रोल ऑफ सिंड्रेला। भाई विच जो है वो हो गया हमारा इंटरोगेटिव एडजेक्टिव। दे आर वेरी हैप्पी एज देयर सन, उनका सन, देयर सन, तो हो गया पजेसिव एडजेक्टिव। आपको क्या करना है? कुछ नहीं करना है, पजेसिव का टेबल लिख दीजिए, राइट। डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव में कौन कौन से वर्ड आते हैं वो लिख दीजिए, और इंटरोगेशन में कौन कौन से वर्ड आते हैं वो लिख दीजिए। पहले ये एक्सरसाइज लिख दीजिए, आपके टेक्स्ट बुक में टिक कर दीजिए। 10 सेकेंड देता हूं मैं आपको लिखने के लिए। 10, 9, पॉज करके लिख दीजिए, पॉज करके लिख दीजिए। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। चलिए क्लियर करते हैं इसको बेटा। अब आपको लिखना क्या है? आपको हेडिंग रखना है डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव का, और ये लिख देना है ये वाला पार्ट, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, दीज दैट, दीज दो, सच, सर्टन। फिर आपको हेडिंग रखना है इंटरोगेटिव एडजेक्टिव का, और उसमें आपको लिख देना है इंटरोगेटिव एडजेक्टिव आर वर्ड्स लाइक व्हाट, हुज, व्हिच। पजेसिव एडजेक्टिव का हेडिंग डालना है और ये टेबल बना देना है, ठीक है। ये आपको याद कर लेना है कि पजेसिव एडजेक्टिव कौन कौन से हैं, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव कौन कौन से हैं, और इंटरोगेटिव एडजेक्टिव कौन कौन से हैं, ठीक है। अभी हमने किया एक्सरसाइज बी, चलिए आगे बढ़ते हैं और थोड़े कुछ टाइप के एडजेक्टिव्स भी देखते हैं। प्रॉपर एडजेक्टिव्स, प्रॉपर एडजेक्टिव मतलब ऐसे एडजेक्टिव जो प्रॉपर नाउन से बनते हैं, जैसे एशियन, क्रिश्चियन, ठीक है, एशियन कंट्री, क्रिश्चियन, चर्च, तो ये हो जो हो गया प्रॉपर एडजेक्टिव्स। एम्फेटिक एडजेक्टिव मतलब एब्सोल्यूट, अटर, ये सारे जो वर्ड है वो एम्फेटिक एडजेक्टिव होता है। एम्फेटिक एडजेक्टिव होते क्या है? नाउन की इफेक्ट को बढ़ाने के लिए हम एम्फेटिक एडजेक्टिव्स यूज करते हैं, ठीक है। समटाइम्स पार्टिसिपल एडजेक्टिव भी हम यूज करते हैं, जैसे फ्लाइंग सॉसर, रनिंग बस, रनिंग फ्लाइंग, ये जो है वो है पार्टिसिपल एडजेक्टिव। मतलब नाउन के आगे, सॉरी, वर्ड के आगे हम, वर्ब के आगे, वर्ब के पीछे हम आईएनजी यूज करते हैं, ठीक है। वर्ब के पीछे आईएनजी यूज करते हैं और उसके बाद नाउन यूज करते हैं, वर्ब के पीछे आईएनजी यूज करते हैं और उसके बाद नाउन यूज करते हैं, तो वो जाता है पार्टिसिपल एडजेक्टिव, ओके। ये कुछ टाइप के एडजेक्टिव्स है यहाँ पे। चलिए एक्सरसाइज डी पे आते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स विद द टाइप ऑफ एडजेक्टिव मेंशन इन द ब्रैकेट, द फर्स्ट वन हैज बीन डन फॉर यू। द चाइनीज गर्ल कुड स्पीक चाइनीज ओनली, तो ये आपने प्रॉपर एडजेक्टिव रखना था तो यहाँ पे चाइनीज हमने रख दिया। डैश स्टूडेंट्स रिसीव्ड अवार्ड्स इन द स्कूल, तो आपको क्या रखना है? एडजेक्टिव नंबर जिसको हम गिन सके, ठीक है। तो आप क्या लिखेंगे? 5 स्टूडेंट्स, 10 स्टूडेंट्स, 50 स्टूडेंट्स, आप वो भी लिख सकते हैं, ठीक है, कुछ भी लिख सकते हैं, आपको जो लिखना है वो लिख सकते हैं, लेकिन वो होना चाहिए एडजेक्टिव ऑफ नंबर। समझ में आया? तो आप 5 स्टूडेंट लिख सकते हैं, मैं तो यहाँ पे लिखूंगा मैनी, ठीक है, यहाँ पे मैं तो लिखूंगा मैनी, मैनी स्टूडेंट्स रिसीव्ड अवार्ड इन द स्कूल, क्योंकि आप वो लिख सकते हैं एडजेक्टिव नंबर, ठीक है। 5 स्टूडेंट्स, 15 स्टूडेंट्स आप लिख सकते हैं। नंबर 3 पे आइए। प्लीज रिटर्न डैश बुक्स टू मी, भाई डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव कौन कौन से हैं? दिस, दैट, दीज, दोज, ये सारे डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है, तो क्या यूज करेंगे यहाँ पे? प्लीज रिटर्न दीज आप लिख सकते हैं और उसके साथ या तो फिर दोज भी लिख सकते हैं, दीज या दोज, ओके, दोनों लिख सकते हैं। प्लीज रिटर्न दीज बुक्स टू मी, प्लीज रिटर्न दोज बुक्स टू मी, कोई भी एक लिख सकते हैं आप, ओके, दोनों कई सही है। चलिए ये आंसर लिख दीजिए, 5 सेकेंड देता हूं, फिर आगे बढ़ते हैं एक्सरसाइज डी में। 5, 4, पॉज करके लिखिएगा, 3, 2, 1, चलिए क्लियर करते हैं, आगे बढ़ते हैं एक्सरसाइज डी में, और आ गए एक्सरसाइज डी पे नंबर 4 में। आई एम एडवाइज्ड टू ऐड डैश सोया टू माई डाइट, भाई सोया को ऐसे तो गिन नहीं सकते हम, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी यूज करेंगे। अब एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी में कई सारे वर्ड यूज कर सकते हैं, देखिए चले देखते हैं एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी में कौन से वर्ड यूज कर सकते हैं हम। इनफ, मच, सम, ऐसे वर्ड्स आप यूज कर सकते हैं, ठीक है। इनफ, मच, सम, आई एम एडवाइज टू एड सम सोया टू
टू माय डाइट है, सम सोया आप लिख सकते हैं, ठीक है। चलिए हम लिखते हैं यहाँ पे आंसर नंबर फोर का, यहाँ पे हम लिखेंगे सम सोया, ठीक है। आई एम एडवाइज टू एड सम सोया टू माय डाइट। नंबर फाइव, आपको पजेसिव एडजेक्टिव डालना है, भाई डैश हाउस इज वेरी फार फ्रॉम हेयर, तो मेरा घर बहुत दूर है यहाँ से, उसका घर वहां पे दूर है, किसका भी आप लगा सकते हैं, मेरा, उसका, वो लड़की का, किसी का भी लगा सकते हैं। तो आप क्या लगाएंगे यहाँ पे, आप माई भी लगा सकते हैं, आप हिज भी लगा सकते हैं और हर भी लगा सकते हैं, ठीक है, कोई भी लगा सकते हैं। आप माई लगा सकते हैं, माई हाउस इज वेरी फार फ्रॉम हेयर है, हिज हाउस इज वेरी फार फ्रॉम हेयर, हर हाउस इज वेरी फार फ्रॉम हेयर, तीनों लगा सकते हैं आप, कोई भी लगा सकते हैं। चलिए नंबर सिक्स देखते हैं। I love to be in my house as it is very adjective of quality. As it is very, कुछ भी लगा दीजिए, कैसा है आपका घर, बढ़िया, मैं तो लगाऊंगा big. As it is very big. I love to be in my house as it is very big. आप good भी लगा सकते हैं, it is very good, है ऐसा भी आप लगा सकते हैं, फिर ऐसा भी लगा, it is very clean, ऐसा भी आप लगा सकते हैं, कोई भी adjective of quality लगा सकते हैं, क्योंकि आप वहां पे question कर रहे हैं हमारे घर कैसा है, तो बड़ा है, मतलब अच्छा है, है क्लीन है, साफ है, तो ये सारी चीजें आप लगा सकते हैं वहां पे एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी में, कैसा है आपको ये पूछना है ना एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी में, तो आप कुछ भी लगा सकते हैं, मैंने लगा दिया बिग, आप भी लगा सकते हैं। नंबर सेवन, कैन यू क्लाइंब डैश ट्री, डेमोन्स्ट्रेट एडजेक्टिव, डेमोन्स्ट्रेटिव में क्या यूज करते हैं, दीज दो सर्टन, ये वाला वर्ड, दीज दो दैट दिस है, कैन यू क्लाइंब दिस ट्री दैट ट्री, दोनों लगा सकते हैं आप, दिस या दैट, दोनों लगा सकते हैं। Can you climb this tree? Can you climb that tree? Okay, तो दोनों आप लगा सकते हैं नंबर सेवन में। नंबर एट, she sprained dash ankle, possessive, किसका ankle? Ankle मतलब वो जो घुटने का नीचे का पार्ट होता है ना, वो मोच आ जाती है कहां पे, sprain का मतलब मोच आ जाती है, राइट, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, उसकी, शी है, लड़की है, तो उसके लिए हम क्या यूज करेंगे, हर, शी sprained हर एंकल ड्यूरिंग द प्रैक्टिस सेशन। नंबर नाइन, डैश फ्रूट इज अवेलेबल ड्यूरिंग दिस सीजन, कौन सा फ्रूट, कौन सा, विच फ्रूट है ना, विच लिखेंगे हम यहाँ पे, विच फ्रूट इज अवेलेबल ड्यूरिंग दिस सीजन, इंटरव्यू एडजेक्टिव। नंबर टेन, यू हैव डैश टाइम टू कंप्लीट योर होमवर्क, टाइम गिन तो नहीं सकते हैं, एडजेक्टिव क्वांटिटी लिखना है, यू हैव सम टाइम लिख सकते हैं आप, यू हैव लेस टाइम यूज कर सकते हैं आप, लेस भी यूज कर सकते हैं, ओके, You have less time to complete your homework. आप less के साथ साथ much भी use करते हैं. You have much time to complete your homework. ये भी use कर सकते हैं much. You have much time to complete your homework. दोनों use कर सकते हैं. ठीक है? क्योंकि आप time को वैसे भी नहीं गिन पाएंगे, तो much ही use करेंगे या तो less use करेंगे. ठीक है? चलिए number 11. Your payment is due on the dash Monday of the month. At the end of the month. First Monday लिखेंगे, second Monday, third Monday, fourth Monday, क्या लिखेंगे? बताइए. First Monday लिखेंगे, second Monday, आप जो भी लिखना है. First, second, third, fourth. चार मंडे होते हैं वैसे तो जनरली, मैं तो फर्स्ट लिखूंगा, फर्स्ट मंडे ऑफ द मंथ। नंबर 12 लिखते हैं, आई नीड अ डैश नाइफ टू कट द वेजिटेबल, भाई नाइफ कैसा होता है, शार्प है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे शार्प, चलिए ठीक है, कैसा है नाइफ, तो शार्प है। नेक्स्ट, डैश बुक वुड यू लाइक टू रीड, कौन सी बुक आप पढ़ना पसंद करेंगे, कौन सी, विच बुक, इंटरगेटिव एडजेक्टिव। नंबर 14, The new manager does not have dash experience in this field. तो आपको क्या करना है, adjective of quantity डालना है, ठीक है, adjective of quantity को गिन नहीं सकते आप, adjective of quantity वाले words कौन कौन से थे, some, any, much, ये सारी चीजें डाल सकते हैं आप, does not have any experience, कोई भी experience नहीं है, ठीक है, negative में आप any use करते हैं, positive में much use करते हैं। Number 15 देखते थे, I am scared of dash dogs, these dogs, that dogs, those dogs, कोई भी लगा सकते हैं, लेकिन वो dogs plural हैं, तो these या those लगाएंगे हम, है ना, I am scared of these dogs, I am scared of those dogs, तो ये हो गया demonstrative adjective। चलिए 10 seconds देता हूँ, ये आप screenshot खींच लीजिए या लिख दीजिए अपने textbook में, ठीक है, चलिए number 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, वन। आशा करता हूं कि आपने पॉज करके ये लिख दिया होगा, क्लियर करते हैं, आगे बढ़ते हैं।
अब हम बात करते हैं डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन की, तो ये क्या होता है जब एक के साथ दूसरे के साथ कंपेयर कर रहे हैं हम, तो क्या हो जाएगा कंपैरिजन? ठीक है, तो हम कंपेयर कर रहे हैं, तो आप देखिए यहाँ पे तीन बंदे खड़े हैं, राजू अमन राहुल हैं। राजू अमन राहुल, सबसे लंबा कौन है? राहुल सबसे लंबा है। बीच में कौन है? अमन है। और सबसे छोटा कौन है? राजू है। तो देखिए यहाँ पे एग्जाम्पल, राजू इज टॉल, राजू इज टॉल, राजू लंबा है। चलिए ठीक है, लेकिन जब हम कंपेयर कर रहे हैं अमन को राजू से, तो क्या लिखेंगे हम? अमन इज टॉलर देन राजू। तो यहाँ पे हमने देखा अमन जो है वो ज्यादा लंबा है राजू से। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे? अमन इज टॉलर देन राजू। ठीक है, तो ये हम ऐसा लिखेंगे। और तीसरा सेंटेंस देखिए, राहुल इज द टॉलेस्ट ऑफ द थ्री। तो तीनों में राहुल सबसे लंबा है। ठीक है, सबसे लंबा द टॉलेस्ट, उससे लंबा टॉलर देन। ठीक है, देखिए यहाँ पे हम बोलते हैं ये जो चेन हुआ ना, फॉर्म चेंज हुआ, टॉल टॉलर टॉलेस्ट ये हो गया ना, तो वो है डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन। ठीक है, टॉल टॉलर टॉलेस्ट, तो ये सारे हैं डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन। तीन डिग्री होती है कंपैरिजन की। आपने सबसे पहले सेंटेंस में जो देखा राजू इज टॉल, तो यहाँ पे हमने जो टॉल यूज किया वो हो जाती है पॉजिटिव डिग्री। यहाँ पे अमन इज टॉलर, आपने यहाँ पे जो टॉलर यूज किया, टॉलर हो गया हमारा कंपेरेटिव डिग्री। राहुल इज द टॉलेस्ट, टॉलेस्ट जो है वो हो गया हमारा सुपरलेटिव डिग्री। ठीक है, पॉजिटिव डिग्री क्या होता है? जहां पे कोई कंपैरिजन नहीं है। देखिए राजू इज टॉल, यहाँ पे कोई कंपैरिजन नहीं है, किसी के साथ कंपेयर नहीं किया है भाई राजू को। तो ऐसे एडजेक्टिव पॉजिटिव डिग्री में होता है जहां पे कोई कंपैरिजन ही नहीं होता है। जैसे देखिए एग्जाम्पल, रॉय इज अ स्ट्रॉन्ग बॉय, तो कोई कंपेरिजन नहीं किया है। ठीक है, रॉय कितना स्ट्रॉन्ग है, ऐसा कोई कंपेरिजन नहीं है, स्ट्रॉन्ग है। ठीक है, बस। रीटा इज अ जनरस गर्ल, तो रीटा अच्छी गर्ल है। ठीक है, तो रीटा जो है उसकी कोई किसी के साथ कंपेरिजन नहीं किया गया है। ठीक है, कंपेरेटिव डिग्री की हम बात करें तो एक ऐसा एडजेक्टिव जिसमें कंपेरेटिव कंपेरिजन होता है, ठीक है, दो नाउन या प्रोनाउन का। जैसे यहाँ पे हम कंपेरिजन देखे ना, अमन और राजू का कंपैरिजन देखा हमने, तो ये दो नाउन है, प्रॉपर नाउन है। तो अमन और राजू का जब कंपैरिजन हुआ तो टॉल का क्या हो गया? टॉलर। देखो और एक एग्जांपल, और दो एग्जांपल है हमारे पास, रॉय इज स्ट्रॉन्गर देन राम। तो यहाँ रॉय और राम ये दोनों का कंपैरिजन हो रहा है, तो स्ट्रॉन्ग का हो गया स्ट्रॉन्गर। यहाँ पे स्नेहा और मोना की बात की गई है, दोनों की कंपैरिजन की गई है, तो यहाँ पे हम फिट का क्या कर देंगे? फिटर। ठीक है, अब हम सुपरलेटिव डिग्री की बात करें तो दो से ज्यादा नाउन को कंपेयर किया जाए, दो से ज्यादा नाउन का कंपेयर किया जाए तो उसको हम सुपरलेटिव डिग्री बोलते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल हमने ऊपर ही देखा ना, राहुल इज द टॉलेस्ट ऑफ द थ्री। तो यहाँ पे आप देखिए राहुल जो है वो ये तीनों में सबसे लंबा है, तो तीन की कंपेरिजन हो रही है यहाँ पे, तो उसमें सबसे लंबा राहुल है। यहाँ पे देखिए एक से दो से ज्यादा कंपैरिजन हो रही है। ठीक है, तो यहाँ पे सुपरलेटिव डिग्री आप यूज करेंगे। राजा इज द स्ट्रॉन्गेस्ट ऑफ द थ्री बॉयज, तो राजा जो है वो तीन बॉय में सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट है। ठीक है, तो आप देखिए यहाँ पे स्ट्रॉन्गेस्ट जो है वो हो गया हमारा सुपरलेटिव डिग्री। ही इज द हेल्दीएस्ट ऑफ देम ऑल, तो वो सारे लोगों में सबसे हेल्दीएस्ट है। ठीक है, तो ये जो हेल्दीएस्ट हो गया वो हमारा सुपरलेटिव डिग्री हो गया। एक बार और रिवाइज कर लेते हैं, पॉजिटिव डिग्री ऐसी डिग्री है जहां पे कोई कंपैरिजन होता नहीं है, कंपैरेटिव डिग्री ऐसी डिग्री है जहां पे दो नाउन या दो प्रोनाउन के बीच में कंपैरिजन होता है, सुपरलेटिव डिग्री मतलब ऐसी डिग्री जहां पे कंपैरिजन दो से ज्यादा नाउन के बीच में आता है। और यहाँ पे सुपरलेटिव डिग्री में आपको द दिखाई देगा। देखिए आपने नोटिस किया क्या, राहुल इज द टॉलेस्ट, यहाँ पे भी सुपरलेटिव डिग्री में आप देखेंगे द स्ट्रॉन्गेस्ट, द हेल्दीएस्ट, तो यहाँ पे द द द हर जगह पे सुपरलेटिव डिग्री में आता है। एक और चीज आप नोटिस करें कि कंपैरेटिव डिग्री में देन आता है, कंपैरेटिव डिग्री में देन आता है देन। ठीक है, तो ये चीज बढ़िया हो गई, आपको पता चल जाएगा सेंटेंस कंपैरेटिव डिग्री में कैसे है, देन से है। एक चीज और पता चल जाएगी, कोई सुपरलेटिव डिग्री में कैसे पता चलेगा, द से। ठीक है, समझ में आया? चलिए
नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे कैसे कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री के एडजेक्टिव्स को हम फॉर्म करेंगे, कैसे हम उसको बनाएंगे, ठीक है। आपका होमवर्क जो है वो ये है कि आपको एक्सरसाइज बी सी डी तीनों एक्सरसाइज होमवर्क में लिखनी है, ओके। चलिए मिलेंगे आप नेक्स्ट लेक्चर में और बात करेंगे आगे। बाय बाय।